दिल्ली में विधानसभा चुनाव की आहट हो चुकी है और भारत देश की राजधानी दिल्ली चुनाव को लेकर के समस्त देश की निगाहें टिकी रही हैं और दिल्ली चुनाव के शुरू होते ही जनता का फैसला 2019। जी हां, हम पहुंचे हैं इस समय नजफगढ़ विधानसभा में और हमारे साथ हैं आज बातचीत करने के लिए दचाऊकला वार्ड से पार्षद हैं श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान। आइए शुरुआत करते हैं दिल्ली प्रदेश के और नजफगढ़ के खास मुद्दे पर नीलम जी से बेबाक चर्चा करेंगे। नीलम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। नीलम जी, आपके नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहुंचना था और विषय था किसानों के सर्कल रेट की बढ़ोतरी को लेकर के। जिस तरह से जनसभा की तैयारियां की गई थी और मुख्यमंत्री जी किसी कारण यहां नहीं पहुंच पाए, बड़ा गंभीर विषय है किसानों की हालत को लेकर के। मैं आपसे जानना चाहूं और सर्कल रेट को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप नजफगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए संजय जी, किसान हमारे देश का अन्नदाता है जी। और भारत वर्ष कृषि प्रधान देश माना जाता है, तो किसानों की हित के लिए जो भी बात करता है उनका मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और उनकी उन लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन पिछले कई वर्षों से जब भी चुनावी समय आता है तो किसानों को लेकर राजनीति सरसरी रूप पकड़ लेती है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको, आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, किसान हमारे देश की शान है और ये जो भारत वर्ष है, किसान और जवान दो खंभों पर खड़ा हुआ है। तो किसी भी एक खंभे को अगर हम जर्जर हालत में करते हैं तो क्या स्थायी तव रह जाएगा, जब नीम ही हल जाएगी। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आपके माध्यम से, कि पहली बात तो किसानों के ऊपर ये छिछोरी राजनीति करना छोड़ दे, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी मुद्दा हो, क्योंकि किसान हमारे देश की शान है। और अगर आप सच में किसान के हित करना चाहते हैं, किसानों का भला करना चाहते हैं, तो आपके माध्यम से मैं यही बात रखूंगी कि किसानों का भला सबसे पहली बात तो उनको मान सम्मान देकर होगा, उनको स्थाई दर्जा दिया जाए। जो सबसे, मैं नजफगढ़ की बात करूं तो नजफगढ़ अनाज मंडी में आज तक सरकारी रेट पर कभी फसलों की खरीद नहीं होती। तो दिल्ली में आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अनाज मंडी से सरकारी रेटों पर आप अपनी खरीद शुरू करें। जो हमारे किसानों पे 81 और 33 है, इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। उसके बाद हमारे जो दिल्ली दे आते हैं, लाल डोरे को बढ़ावा दिया जाए। और सबसे अहम भूमि बात जो किसानों के लिए है कि दिल्ली में किसानों को किसानों का दर्जा दिया जाए। अगर आप सच में किसानों का भला चाहते हैं, किसानों को मानते हैं, तो सबसे पहले उनके बेस से जो जुड़ी हुई बातें हैं, ये बातें आपको किसानों पर कहने से कुछ नहीं होगा, लागू करके दिखानी पड़ेंगी। और सत्ताधारी कोई भी हो, जिसके भी अंडर में ये किसानों की बात आती है, उनको ये बात रखनी चाहिए और करनी चाहिए, खाली मुद्दा नहीं बनाना चाहिए जी। नीलम जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है दिल्ली को लेकर के। जिस प्रकार देश की राजधानी है और यहाँ जो खबरें हैं वो समस्त देश में जाती हैं, मैं वर्तमान हालात की बात करूँ, जिस तरह से दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर के और जो पीने के पानी की समस्या को लेकर के विभिन्न जो सवाल उठ रहे हैं, संसद तक आवाज़ उठी है। दिल्ली में जो पीने के पानी की गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, इसके बारे में आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे हवा और पानी को लेकर के दिल्ली की? देखिए, ये हमारे दिल्ली के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देश की राजधानी कहने वाली दिल्ली में न पीने के लिए पानी योग्य है, न हवा है, सांस लेने के लिए हवा योग्य है। और जब इंसान का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो वो देश की प्रगति के लिए, दिल्ली की प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए, लोगों की प्रगति के लिए क्या काम करेंगे? तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या, तो मैं शब्द बोलूं, किसके लिए बोलूं। लेकिन आपके माध्यम से मैं यही बात फिर रखना चाहूँगी कि संजय जी, जल ही जीवन का आधार है। कम से कम मैं सभी सत्ताधारियों से यही निवेदन करती हूँ कि लोगों की अपनी सत्ता के न देखकर, अपनी राजनीति को न देखकर, कम से कम लोगों की ज़िंदगी की तरफ तो देखें और उन्हें स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा देने का ज़रूर काम करें। मुझे भरत सिंह का वो दौर याद आता है
जब सभी विपक्ष सरकार होते हुए भी कच्ची कॉलोनियों में भरत सिंह ने लोगों का स्वास्थ्य देखते हुए आज भी नजफगढ़ क्षेत्र इस बात की गवाही दे देगा कि 8-8 फुट गहरे गड्ढों का भरत सिंह ने भरवा के और RCC के रोड करवा के सीवरों का जो सीवर बनवाए और इसके साथ साथ भरत सिंह ने हजारों नर्सरी में लाखों पेड़ लगवाए, जो घर घर जाकर जो आज ये पर्यावरण का प्रचार था वो भरत सिंह ने बहुत साल पहले शुरू करके लोगों के घर घर में जाकर पेड़ देने का काम किया था और पूरी कोशिश की थी कि हमारे नजफगढ़ क्षेत्र में पर्यावरण शुद्ध रहे, स्वच्छ पानी रहे। पानी के तहत भरत ने ये उजवा गांव में UGR लगवाने का काम किया, दिचाऊ गांव में जो निर्माधीन UGR है उसका काम किया। तो काम ऐसे होते हैं, खाली बोलने से राजनीति करने से काम नहीं होते। और जो आज दिल्ली की स्थिति है, इस स्थिति को लेकर सच में मुझे बड़ा दुख होता है कि हम अपने राजनीतिक प्रलोभन के लिए लोगों की सोच का, लोगों की जिंदगी से हम खिलवाड़ करते हैं। सब अपने अपने लिए सोचते हैं, लोगों की भलाई के लिए कोई नहीं सोचता जी। और नीलम जी, शादी ब्याह का त्यौहार है, सीजनल त्यौहार चल रहा है, आप भी मुझे तैयार हुए नजर आ रहे हैं, कहीं शादी के लिए निकलेंगे, कैसा लगता है आपको जब आप लोगों के बीच में जाते हैं? जिस तरह हमने सुना है और देखा भी है, भरत सिंह जो एक राजनेता के साथ साथ लोगों से बिल्कुल दिल से जुड़ चुके थे और कहा जाता था कि भरत सिंह नजफगढ़ की हर नस को और हर नबज को जानते हैं, नीलम का कैसा अनुभव है? लगातार आप शादी ब्याहों में जाते हैं और तमाम आपकी जो तस्वीरें हैं वो फेसबुक पर हमें देखने को मिलती हैं, क्या लगता है आपको लोग क्या महसूस कर रहे हैं नजफगढ़ में? देखिए संजय जी, राजनीति हमारे खून में नहीं थी, राजनीति पहलवान जी की एक इच्छा थी कि हमारे घर से कोई एक ऐसा मेंबर निकले जो मेरे साथ साथ, क्योंकि सबको पता है कि पहलवान जी ने कितनी समाज सेवा किया, उसके साथ साथ मेरे परिवार का सदस्य लोगों के बीच में दिन रात रह के सेवा करे। तो वो एक जज्बा पहलवान जी ने भरत सिंह के अंदर भरा और उस जज्बे को देखते हुए भरत सिंह ने दिन रात लोगों के बीच में रहना शुरू कर दिया। तो मैं भी उस परिवार की सदस्य बनी, जैसे मैं भरत को लोगों के बीच में देखती थी, अब राजनीति की जिम्मेवारी जब मेरे ऊपर सौंपी गई तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझे आमंत्रित करता है मैं हर एक के प्रोग्राम में मैं जाने की कोशिश करती हूँ। और ये समाज, इस समाज में सब मानने की बात होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब इंसान होते हैं और जो भी मुझे इज्जत से बुलाता है मैं ज़रूर उसके पास जाती हूँ, चाहे मुझे रात को 12-1 बजे जाए मैं, लेकिन जाती ज़रूर हूँ, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो और अपने विधानसभा की तो बात ही क्या है। नीलम जी, कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं जब आप महिलाओं के ग्रुप से मिलते हैं, काफी वहां पर महिलाएं होती हैं, आजकल शादी ब्याह में महिलाओं का बड़ा जोर भी रहता है, क्या कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं? नहीं, शादियों में क्या राजनीतिक चर्चा होंगी, शादियों में तो मुझे भी उनके पास जाके अच्छा लगता है और उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि हम जब मान सम्मान से हमने नीलम को बुलाया था तो वो हमारे पास आई। खाली औपचारिक बातें होती है, चाय पानी होता है, राजनीतिक बात ब्याह शादियों में नहीं होती जी।